जो इंडिया गठबंधन राहुल जी के नेतृत्व में दौड़ रहा है वो 2024 में इसका रिजल्ट हम सब दिखाएंगे। जिस तरह से उन्होंने पदयात्रा की, झारखंड में एक अलग लोगों में एक उनके प्रति रुझान बढ़ा है और एक युवा नेता राहुल जी के नेतृत्व में झारखंड की जनता ने इस बार ठान लिया है कि 14 के 14 लोकसभा इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जिता के झारखंड को बचाना है। यही संकल्प के साथ हमने भी पटेल साहब से मैं आग्रह करूंगा कि वो आपके सामने बताएं कि कुछ क्या कारण रहे जिसकी वजह से उनका वहां दम घुटना शुरू हुआ और क्यों उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, ये इन्हीं के मुंह से सुनना बेहतर रहेगा। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच उपस्थित हमारे कांग्रेस के झारखंड प्रभारी आदरणीय श्री गुलाम अहमद मीर जी, हमारे श्री आदरणीय पवन खेड़ा जी चेयरमैन कम्युनिकेशन विभाग, हमारे बीच उपस्थित कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री राजेश ठाकुर जी, और जिनका विचार आप सुन रहे थे, बचपन से ही इनका आशीर्वाद, मैं किसी भी दल में रहूं लेकिन दिल हम सबों का मिलता रहा, वैसे हमारे अभिभावक राज के झारखंड राज के संसदीय कार्य मंत्री विधायक दल के नेता आदरणीय श्री आलमगीर आलम साहब, हमारे जयशंकर पाठक जी, उपस्थित सभी प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाई सब बंधुगण, सभी को झारखंडी जोहार नमस्कार। आज एक ऐसा, मैं किसी को आरोप नहीं लगा सकता लेकिन यह सच्चाई है कि लास्ट 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, समुचित झारखंड के एनडीए गठबंधन के 11 लोकसभा में हमने पूरा प्रचार किया और टेकलाल बाबू के जितने भी झारखंड में जानकार थे, उनके शुभेच्छु थे, अपने समाज के लोग, उनके चाहने वाले लोग के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिलाने का काम किया था, और उनके अलाय दल आजसू का भी मैंने प्रचार किया। परिस्थिति कुछ ऐसी थी, हमें लगा कि कुछ हमें झारखंड के लिए, लोगों के लिए, और हमारे पिता टेक लाल महतो जो झारखंड आंदोलन के एक अग्रणी योद्धा थे, आज झारखंड की राजनीतिक पृष्ठभूमि को खोजा जाए, राजनीतिक चर्चाएं अगर चलेंगे झारखंड अलग राज के आंदोलन को, तो स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो शिबू सोरेन के बाद तीसरे ये में टेकलाल महतो जी का नाम था। और पूरे जो इलाके हैं उत्तरी छोटा नागपुर, चाहे कोल्हान का हो, सभी जगह टेकलाल बाबू का अपना प्रभाव था, और मुझे लगा कि टेकलाल बाबू के सपनों को, टेकलाल बाबू के जो सपने थे झारखंड को संवारने का, आगे बढ़ाने का, चूंकि अलग राज हमें मिल चुका था, तो मुझे लगा कि एनडीए गठबंधन में जाके झारखंड में कुछ हम लोग ऐसा करेंगे। लेकिन परिस्थिति ऐसा लगा उस जब मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, तो हमारे जो पिता के जो सपने हैं, जो विचार हैं, मैं उस दल में नहीं पाया। और महागठबंधन का हमेशा मेरा पिताजी एक समर्थक रहे हैं, और आज मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि आज पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन राहुल जी के नेतृत्व में दौड़ रहा है वो 2024 में इसका रिजल्ट हम सब दिखाएंगे। जिस तरह से उन्होंने पदयात्रा की, झारखंड में एक अलग लोगों में एक उनके प्रति रुझान बढ़ा है, और एक युवा नेता राहुल जी के नेतृत्व में
झारखंड की जनता ने इस बार ठान लिया है कि 14 के 14 लोकसभा इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जिता के झारखंड को बचाना है। यही संकल्प के साथ हमने भी आज इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए और अपने पिता के उन विचारों को पूरा करने के लिए, जिनका सोच था कि झारखंड के आदिवासी मूलवासी अल्पसंख्यक का विकास हम कैसे करें, और आज जरूरत है कि उन विचारधारों को अगर कोई पूरा कर सकता है तो झारखंड में इंडिया गठबंधन महागठबंधन के माध्यम से ही पूरा कर सकते हैं। इसीलिए आज हमने किसी राजनीतिक दबाव में नहीं, किसी लोभ लालच में नहीं, हमने इंडिया गठबंधन को आगे कैसे बढ़ाना है, झारखंड में हम कैसे टेकलाल बाबू के सपनों को पूरा करना है, इसलिए खड़गे साहब जैसे लोगों के जो सोच है उसको हम धरातल पर कैसे उतारें। आदरणीय हमारे जो देश की जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जो रही है श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनके सपनों को हम कैसे झारखंड बनाएंगे, इसलिए आज मैं तहे दिल से और अंतरात्मा से अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए और झारखंड में इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए आज मैं इस कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं। आप सबको बहुत बहुत जोहार, नमस्कार। आपके सवाल, ज्यादा सवाल आज पटेल साहब से पूछिए। पटेल साहब, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे आप और इसीलिए आपने ये दल बदल किया है, हजारीबाग से आपको कांग्रेस उम्मीदवार बना सकती है? देखिए, मैंने कहा कि अपने पिता के सपनों को झारखंड बनाना है और महागठबंधन में ये चीज हम पाते हैं, इंडिया गठबंधन में चुनाव ये अलग चीज है। मैं उस समय भी एनडीए में शामिल हुआ था तो मैं विधायक था और आज कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं तो विधायक होते हुए शामिल हो रहा हूं, इसलिए मुझे पद की परवाह नहीं है, मुझे परवाह इस चीज का है कि झारखंड को कैसे बचाना है। देखिए, मैंने पहले कह दिया कि मैं एनडीए में भी विधायक रहते हुए प्रचार किया था और उस समय जब सीट शेयरिंग कंप्लीट हो गया था, अगर मेरे मन में उस तरह का बात रहता तो मैं भाजपा में पहले शामिल होता, उसके बाद एनडीए का प्रचार करता। और मैं आज इस बात का फिर आप सबों के